ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे रैंडम नंबर्स, और आपको इंट्यूशन का यूज़ करके बताना है इसका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होगा, तो अचानक से आएगा वो बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास नंबर है 569 इंटू 386, 569 इंटू 386। जिसको आ जाएगा एग्जैक्टली नंबर वो बता सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना अपने आप। क्या है इसमें का आंसर है 2193 2 1 9 6 3 4। ठीक है, क्या है विष्णु नंबर, क्या है मल्टीप्लिकेशन का आंसर, क्या है 2 1 9 6 3 4। आर्या कितना है नंबर, 2 1 9 6 3 4। विष्णु कितना है, कृष्णा 2 2 1 9 6 3 4। और कितना सर, मेरा भी सेम है। ठीक, सेम नंबर है, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपको एडिशन के थ्रू आया है ना, है ना। ठीक है, ये पहला है। इसमें मैथमेटिक्स में आप किसी भी कैलकुलेशन को तुरंत थ्रू एडिशन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी माइंड की लैंग्वेज सीखने में मदद करता है, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेट करना होता है, इसमें कैलकुलेट नहीं होता, सीधा आपको आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो हमें याद रहे, यही पढ़ाई का जो हम लोग कोई भी स्टडी करते हैं उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। तो अरे ये बताओ, आप पहले क्यूब याद किए थे ना 1 to 100 6 महीने पहले, अभी भी याद है? ठीक है, आप आराम से पहले बैठो और रिकॉल करो और फिर रिपीट करना है 1 to 100 क्यूब आपको रिकॉल करना है। कृष्णा मैं आपको उसका PDF सेंड कर रहा हूँ, कृष्णा विष्णु सॉल्व, आप उसको मैच करना क्यूब 1 to 100। इसमें फोटोग्राफिक रूप से याद किया था तो उसको मैच करना। ठीक है, बाकी लोगों को PDF मिल गया है ना, ये आराम से आइस क्लोज करके आप पूरा रिकॉल करो 1 to 100 जो कि आपने 6 महीने पहले याद किया था। ठीक है, सिक्सटी एट का
सिक्सटी एट का 3 1 1 3 1 4 4 3 2 69 का 69 का 3 2 8 5 0 9 70 का 3 4 3 3 0 71 का 3 7 5 9 1 1 71 का 3 5 71 का 3 5 7 9 1 1 72 का 3 7 3 2 4 8 73 का 3 8 9 0 1 7 74 का 4 0 5 2 2 4 75 का 4 2 1 8 75 76 का 4 3 8 9 7 6 77 का 4 5 6 5 3 3 78 का 4 7 4 5 5 2 79 का 4 9 3 0 3 9 80 का 5 1 2 3 0 81 का 5 3 1 4 4 1 82 का 5 5 1 3 6 8 83 का 5 7 1 7 8 7 84 का 5 9 2 7 0 4 85 का 6 1 4 1 2 5 86 का 6 3 6 0 5 6 87 का 6 5 8 5 0 3 88 का 6 8 1 4 7 2 89 का 7 0 4 9 6 9 90 का 7 2 9 3 0 91 का 7 5 3 5 7 1 92 का 7 7 8 6 8 8 93 का 8 0 4 3 5 7 94 का 8 3 0 5 8 4 95 का 8 5 7 3 7 5 96 8 8 4 7 3 6 98 7 का 9 1 2 6 7 3 98 का 9 4 1 1 9 2 99 का 9 7 0 2 9 9 100 का 10 ठीक है विष्णु यही सब था एग्जैक्टली यस सर इसलिए मैंने पहले याद किया था बीच में रिपीट नहीं किया कभी और ठीक है तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी एक बार कोई चीज अगर हम याद कर लेते तो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है तो समय को टेक्निक आनी चाहिए कैसे उसको एक्सेस करना ताकि हमेशा हमेशा रहे ठीक है तो ठीक है अभी मेमोरी वाला पार्ट हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे क्वांटम स्पीड रीडिंग करेंगे पता है कैसे करते हैं पहले से भी करते आए हैं तो आप अपनी पोजीशन में बैठ जाइए अलग अलग तरीके से करना है आपको देखो आपके पास कौन सी बुक है इंग्लिश की बुक है ठीक है तो बाकी लोग जैसे कृष्णा हैंड रेस करो आप जो बुक होगी वो हर्ट के पास रख के करना ठीक है फील करके 2 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा जब बोला जाएगा टाइम स्टार्ट किया जाएगा तभी करना तो आप उसको ऐसे हियरिंग से करना सुन करके करना ठीक है राइट लिसनिंग से करना और सौर सौर आप बुक दोनों को ऐसे हाथ पर रख के स्मेल करके करना ठीक है अरे अतुल को जो स्टोरी भेजी गई है वो डिफरेंट लैंग्वेज के क्योंकि आपको तेलुगु नहीं आती है ठीक है तेलुगु लैंग्वेज की स्टोरी है एक पेज की स्टोरी है तो आपके मोबाइल में जो भेजी गई मिल गई मोबाइल को स्कैन करना तेलुगु स्टोरी को उसको हिंदी में समझना फिर मुझे एक्सप्लेन करना ठीक है आराम से बैठ जाइए ठीक है बैठ जाओ टाइम स्टार्ट किया जाएगा 2 मिनट आपके पास टाइम रहेगा उसे टाइम के हिसाब से ठीक है तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 2 मिनट दिया जाएगा टाइम स्टार्ट
10 सेकंड रिमेनिंग है, 10 सेकंड और बाकी है। स्टॉप ठीक है, एक एक लोग बताओ विष्णु आपको कितना चैप्टर समझ आया? मुझको सर पूरी बुक आ गई। कितने चैप्टर हुए सर? 12 चैप्टर थे। और 14 तीन चैप्टर। कृष्णा सर मुझे 15। चलो 10 चेक कर लो। ओके एक मिनट आ रहे हो। तो तेलुगु स्टोरी थी वो, क्या है स्टोरी में बताओ? उस स्टोरी में एक डंकी रहता है और वो जा रहा होता है रास्ते में, तो उसको एक लायन की वो मिलती है, स्किन मिलती है। वो लायन की डेथ हो चुकी रहती है, उसकी स्किन मिलती है उसको। तो वो जा रहा होता है तो वो उसकी स्किन को निकाल के पहन लेता है, और उस टाइम ऐसे सारे जानवरों को, जंगल के जानवरों को डराऊंगा। और फिर वो उसको पहन के सारे जंगल के जानवरों को डराता है, और फिर उसके बाद वो इतना खुश हो जाता है कि उससे सारे जंगल के जानवर डरने लगे बहुत, और वो खुशी के मारे वो अपनी गधे वाली आवाज में रेंगने लगता है बहुत ज्यादा तेजी तेजी से। तो अचानक उसको एक बहुत दूर से एक सियार रहता है, वो उसको देख लेता है और वो सोचता है कि ये तो डंकी है, इससे सारे जानवर डर रहे हैं। और वो भागते भागते आता है, और फिर उसका सोचता है अब इससे मैंने, कहते हैं तुम तो इतने ताकतवर और चतुर हो कि तुमसे सारे जानवर डरते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं लेकिन, फिर उसके बाद वो रेंगने लगता है खुशी के मारे, तो उससे पता चल जाता है कि ये गधा है, और बोलते हैं कि उसमें मोरल ये रहता है कि किसी की असली सच्चाई छिपती नहीं है। इसका टाइटल क्या है? डंकी इन द डंकी इन लायन स्किन। ये एक्चुअली में तेलुगु स्टोरी है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं, तेलुगु है। फिर भी लोग स्कैन करके पूरी स्टोरी की जो समरी है, जो एसेंस है, समझ पाते हैं क्या है। यही खास बात होती है, ब्यूटी होती है क्वांटम स्पीडिंग की। जब किसी भी लैंग्वेज की स्टोरी को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएनओ में एक सिस्टम होता है जहाँ कोई भी लैंग्वेज आप इसकी स्पीक करें तो जिस लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करें, इस तरह हमारे माइंड में भी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है कृष्णा, आपको कितना चैप्टर आया था? 15। कृष्णा कितना है? 15। चलो 10 तो बताओ क्या है। क्लोज योर आईज एंड एक्सपेक्ट। 10 चैप्टर में एक लड़की रहती है, वो जापान, मतलब जापानीज स्टोरी है ये। एक लड़की रहती है, वो वहाँ उसके मम्मी का ट्रांसफर हो जाता है कहीं पे, वो दूसरी जगह जाती है। तो वो वहाँ जाके एक स्कूल देखती है, क्योंकि उसको कहीं स्कूल नहीं मिल रहा होता, तो न्यू प्लेस में गए थे। तो एक स्कूल देखती है, वो स्कूल एक रेल के डिब्बे में था, रेल के डिब्बे में वो स्कूल था। और सर जब वो लोग वहाँ गए तो वो लोग वहाँ का, मतलब ये स्कूल के बारे में देख के हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ कुछ अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है। रेल के डिब्बे के अंदर पढ़ाई की जाती है, जो रेल का पहला डिब्बा होता है उसमें प्रिंसिपल ऑफिस था, तो वहाँ सब, वहाँ प्रिंसिपल बैठते थे। और जो बाकी कंपार्टमेंट है उधर सब क्लासरूम था, और कई जगह स्टाफ रूम था। तो जब वहाँ जाते तो देखते कि उन क्या इसका टाइटल? स्कूल मुझे अच्छा लगा। विष्णु बताओ इसका माइक ऑफ करो। सर मुझको जो है 12 स्टोरीज है, जो मतलब पूरी बुक। थर्ड स्टोरी बताओ। सर वो थर्ड स्टोरी थी ब्रावो मन, उसमें एक लड़की के बारे में था जिसका नाम रहता है मंजिल पर।
वो क्या करती, एक बार अपनी मम्मी के पास जा कहती है मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उसकी मम्मी ने पूछा किस लिए चाहिए, तो उसकी उसने कहा कि मुझको मम्मी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे पेंटिंग कलर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और उसको क्या रहता है कि उसके हर हाथ में दो उंगली रहती है, दोनों हाथों में, तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है ले लो, और अपनी पहली पेंटिंग मुझको और पापा को जरूर दिखाना। तो वो जाती है, कलर्स लेती है, और अगले दिन अपनी पहली पेंटिंग बनाती है। तो कहती है वाह तुम्हें पहली पेंटिंग के हिसाब से बहुत अच्छी, जाके अपने पापा को दिखा दो। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि बहुत अच्छी है पेंटिंग। तो फिर उसके पापा कहते हैं नहीं, तो फिर वो अपनी मम्मी के पास फिर जाती है, फिर और वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है डेली। तो एक दिन उसके भाई कहते हैं कि मेरे स्कूल में 6 सितंबर में एक आर्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो उसने कहा ठीक है मैं जरूर करूंगी। तो एक बार वो रात में जब सोने जा रही थी, तो रात में पापा की बात सुनती है, उसके बाद उसकी मम्मी से बात कर रहे थे कि ये आर्ट में क्या ही कर लेगी, इसके हर हाथ में सिर्फ दो ही उंगली है, कुछ नहीं कर पाएगी ये। तो उसको मतलब काफी डिमोटिवेट हो जाती है वो। तो जब डिमोटिवेट हो जाती है, अगले दिन अपने मम्मी से किचन में जाके कहती है कोई कि बात मम्मी नहीं, आप ठीक है। आप 7th स्टोरी का टाइटल से पता होगा, माइक ऑफ है। सेट 7 स्टोरी का टाइटल था सिग्नल 1। यस ठीक है, सौर कितना आया था समझ? सर 13। 9th स्टोरी, 9th चैप्टर के, माइक ऑफ है। सर 9th चैप्टर, देयर इज अ रिलीजियस बिलीफ सर इन देयर चैप्टर, देयर इज अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड टाइम एंड सेंट शक्ति लाइक कबीर दास, हु कबीर दास इन दिस एग्जीबिशन मीरा बाई मेनी पीपल हु वॉज फेमस एट चैप्टर के, एग्जीबिशन ऑफ तो ठीक है, एट चैप्टर के टाइटल से बताओ, विच चैप्टर एट चैप्टर, एट सर ट्राइबल कम्युनिटी। सेकंड चैप्टर के टाइटल के, सर सेकंड चैप्टर द रिलीजियस फ्रीडम। तो इस तरीके से जब आप क्वांटम स्पिरिटिंग में किसी भी लैंग्वेज के बुक को पढ़ सकते हैं, समरी उसको क्रॉस कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं, अगर आप फील करना चाहें आपको क्वेश्चन आंसर रूप में, तो क्वेश्चन आंसर रूप में समझ में आता है, मतलब इट्स डिपेंड ऑन यू, जैसे आप उसको चाहते हैं वैसे वो समझ में आने लगता है। ठीक है, क्वांटम स्पिरिटिंग ठीक है। अब आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, इस तो अब हम लोग टेक्निक यूज करेंगे, आप टेक्निक यूज करेंगे। अब आपके पास बुक बुक नहीं है, वो बुक मेरे पास है, और थ्रू इमेजिनेशन आप इसको पढ़ेंगे या बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, बहुत साइकोलॉजिकल टाइप बुक है, रिलीजियस बुक है, फिलोसफिकल है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किससे बारे में। तो बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे राइटर का नाम बताऊंगा और बुक का नाम बताऊंगा, ठीक है। आई विल टेल यू राइटर नेम, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू कंटेंट समरी ऑफ द दिस वेरी कॉम्प्लेक्स बुक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो, फिर भी आपके लेवल से काफी ज्यादा आगे है, यू विल गेट इट। ओके, टू कनेक्ट विद द राइटर एंड यू गेट द समरी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट इमेजिनिंग, आई विल लेट यू नो टाइटल। Please still start listening. Please still the book name is The First and the Last Freedom. The First and the Last Freedom. Written by our this book idea J. Krishnamurti, the author is, the speaker is J. Krishnamurti, the speaker is or the author is J. Krishnamurti,
श्री कृष्णमूर्ति फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम यू मैसेज इट कनेक्ट योर सेल्फ विद द राइटर गेट द समरी गेट द मेन कंटेंट यू नो यू आर इन एनर्जी फॉर्म Light form, energy form, quantum form, then you can connect yourself with anyone. This is short message. Connect yourself with the writer. The writer will explain everything about the book. You will understand the importance of the book. You will understand the importance of the book. You are getting the summary, you are getting the summary, you are getting the summary. Now, if you would like to explain, you can explain. Okay? टाइम कम है तो आप जो भी आपको समझ समझ आए हैव यू सीन द राइटर कृष्णा यस यू कैन आइडेंटिफाई द राइटर इफ यू आर सो इमेज क्या आपको बुक पहले नहीं पढ़ी होगी भी आपको राइटर दिख जाते हैं भी आपके माइंड में दिख जाते हैं आपके तो किस चीज के बारे में बुक लिखी है क्या लिखा हुआ अरे आप बताओ इस बुक में फ्रीडम के बारे में था फ्रीडम फ्रॉम द नो मतलब हमारी जो खुद की फ्रीडम होती है हमें फ्रीडम किसी मतलब बाहर से नहीं मिलती है ऐसा कुछ था इसमें अच्छे से मतलब आया नहीं ठीक है बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है बहुत हायर लेवल की ठीक है फ्रीडम कैसी फ्रीडम मतलब किस तरह की मतलब फ्रीडम हमारी खुद से हमें खुद से अपनी फ्रीडम दुनिया हमें नहीं किसी बाहर की चीजों से फ्रीडम नहीं मिलती है हमें खुद से अपनी फ्रीडम मिलती है ऐसे करके कुछ था इसमें बताओ क्या समझ आ रहा है इसमें सर यही चीज बताया गया कि हमारे खुद बॉडी के अंदर क्या चीज है मतलब मेडिटेशन बेस्ड थी थोड़ी सी ये बुक तो सर इसमें उन्होंने अपने आइडियाज को किया और ये आइडिया बताया कि है ट्रुथ हम अपने सेल्फ बॉडी के अंदर ही पाते हैं कहीं हम लोग को बाहर ट्रुथ नहीं मिलता है सर इसमें उन्होंने मेरे को कंटेंट बताए थे मगर नाम नहीं मेरे को क्लियर था और मतलब ट्रुथ के बारे में बताया था और ये कि जो मतलब हैप्पीनेस होती है बॉडी के अंदर ही मिलती है और अबाउट फ्रीडम ऑफ मतलब सर ये एक तरह से कहें तो अपने अंदर की फ्रीडम के लिए ये मतलब जो कुछ भी होता है सब बॉडी के अंदर ही होता है ठीक है एक्चुअली में जय कृष्णमूर्ति हैं फिलोसोफर हैं तो 19वीं सेंचुरी के इन्होंने जो भी बात की है वो फ्रीडम साइकोलॉजिकल फ्रीडम की बात की है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसी के गुलाम होते जाते हैं हमारे आइडियाज मानने लगते हैं आपको लगा ना कि अपने आइडियाज फ्री होना चाहिए ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम की बात करते हैं ये बात करते हैं कि इनर वर्ल्ड के ऊपर मतलब अपने अंदर ही फोकस करना और जो भी हमारे अंदर हो रहा है उसी के ऊपर जानना डिजायर क्या है और फियर क्या है सिंपलिसिटी क्या है अवेयरनेस क्या है रिलेशनशिप क्या है सेल्फ नॉलेज क्या है आइडियाज क्या है हम कैसे टाइम क्या है ठीक है रियलाइजेशन क्या है मतलब ये ऐसी बुक है जो मतलब बहुत मैच्योर जैसे आपने एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको लगा कि हाँ कुछ ऐसा है लेकिन हाँ ऐसा ही है इनका पूरा जो आइडिया है कोर कंटेंट है वो यही है कि अपने साइकोलॉजिकल फ्रीडम से अपने नॉलेज से अपने आइडियाज से अपने कल्चर से उसी से अगर आदमी फ्री हो जाए दैट इज़ द रियल फ्रीडम ओके तो ठीक है आपको चेहरा दिखा था जबकि इनको आप नहीं जानते हो सर चेहरा इनका ऐसे
मतलब कि उसमें वो हमारे सामने आके बैठे हुए थे और देन उन्होंने बुक के अंदर कंटेंट को बताया। ये आपके सिलेबस से बाहर है क्योंकि आप विद इन 9th क्लास एक्चुअल में ये बुक बहुत हायर लेवल की। तो ठीक है, तो इस तरह विजुलाइज करके हम राइटर को इमेजिन कर सकते हैं, उसके चेहरे को देख सकते हैं, उससे कनेक्ट होकर उसके कोर आइडियाज को जान सकते हैं। अगर ये थोड़ा नॉर्मल बुक होती तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर पाते क्रम से, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं कर पाते। तो इस तरीके से विजुअलाइज करके हमारे माइंड की एक बहुत बड़ी पावर होती है, विजुअलाइज करके किसी बुक को पढ़ना या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना या डीलिंग करना, है ना। तो ये विजुअलाइजेशन के यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, आपने अब से बहुत पहले कुछ आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्शियस माइंड हमारे पढ़ी हुई चीजों को नहीं याद रखता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड याद रखता है। तो मैं कुछ ऐसी चीज आपसे पूछूंगा तो शायद आप 6 महीना पहले पढ़े हो, 1 साल पहले पढ़े हो, कॉन्शियसली आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपको पता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे करते हैं। तो उस बेस पर आप बताएंगे कि आप उस बेस पर आप पूरा विजुलाइज करेंगे जो भी आपने पढ़ा था, और आपको वो सब चीज़ें विजुलाइज हो जाती है, मतलब वही से याद हो जाता है जो आपने पढ़ा था, उसको आप बताएंगे, ठीक है। तो जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। अरे अपनी आइज क्लोज करो। एक बार आपने आज से करीब 6-7 महीना पहले क्वांटम स्पीड रीडिंग के थ्रू 15 स्टोरी पढ़ी थी, याद है? 6-7 महीना पहले उसको रिकॉर्ड किया था, है ना। क्लोज योर आइज एंड एक्सेस। कृष्णा आपने भी, विष्णु आपने भी एक बार करी थी स्टोरीज, कितनी करी थी? 12 स्टोरीज शायद 5-6 महीने पहले, याद है? ठीक है, विजुलाइज करो सर। जो हमने वो रिकॉर्ड टेलीग्राम में भेजा था ना, वो वाली बुक को रिकॉल करना है, फिर मुझे बताना है कि एक चैप्टर कोई भी आपको रैंडमली पूछा जाएगा आप बताएंगे। क्लोज योर आइज एंड रिकॉल इट। Say it in your collective subconscious mind. I'm getting it. You'll get it. As you are doing right now. You'll get it. The story clarity is up. बार बार मन में आपको यही बोल रहा है। चलो ठीक है, जिनसे पूछेंगे बताना। अरे वो 15 स्टोरी आपने 6 महीने पहले की, याद है? पूरा याद है? 14 क्या है? 14 स्टोरी उसमें क्या है? 15 उसमें एक लाइन वाइज स्टोरीज आएंगे। एक स्टोरी थी हेल्पिंग विद अ गुड हैबिट, मेरे नाम का वॉशर मैन रहता, उसका डंकी रहता उसके पास एक, और उसके पास एक दो मतलब एनिमल रहते, वो डंकी से बहुत, जो डॉग था वो घर की रखवाली करता था, वो डंकी से अपना काम करवाता था, मतलब नदी में जाता था वहाँ से सारा सामान उससे लेके वहाँ से आता था, तो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था और मतलब वो बहुत जो था उस वो डंकी को थक गया, तो फिर वो रास्ते में जा रहा था तो वॉशरमैन को बयान आ गई उसके ऊपर, तो फिर आज चलो ठीक है। 8th स्टोरी क्या था? 8th क्या था? 8th में एक क्या थी, क्या स्टोरी थी? सर टॉयज की स्टोरी थी। और क्या था उसमें? उसमें दो डक रहते हैं, वो साथ दो डक साथ में जा, मतलब उनका दोस्त रहता है टॉयज, वो बोलते हैं मुझे मतलब सैर करनी है ऊपर मतलब हवा में, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी शिक्षा को पूरा करेंगे, और वो एक दोनों डक अपने स्टिक लेते हैं और माउथ में, और उसने टॉयज से हाथ से पकड़ कर उसमें लटक जाता है, और फिर उसके बाद पूरा उसका सैर। वहाँ पे एक स्टोरी बताओ उसमें से, सेवेंथ क्या था? सर उसमें
द लिटिल स्पैरो उसमें रहता ही है कि एक बार जो जितने भी जंगल के पक्षी रहते हैं उनकी एक वो बैठती है मीटिंग कि कौन पक्षियों का राजा बनेगा। तो चलो ठीक है। हाँ कृष्णा आप बताओ कितना पूरा रिकॉल हो गया? और सर रिकॉल हो गया पूरा? ठीक सर मैंने जितना उस बार किया था उतना रिकॉल हो गया। है उसमें से सिक्स स्टोरी का आप टाइटल बताओ क्या? सिक्स स्टोरी हाँ हाँ द जयकाल एंड किड। चलो ठीक। इस तरीके से तो इस तरीके से माइक ऑफ कर लो। तो हम लोग कोई भी चीज कोई भी अगर पढ़े तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नेचर ही होता है, आप जब भी चाहें जिस भी तरीके से उसको रिकॉल कर सकते हैं, एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात होती है क्योंकि मेमोरीज एक बार हमारे अंदर बन गई तो कभी मिस नहीं होती, कभी वेस्ट नहीं आती है, कभी भूलते नहीं भूलते नहीं, इसका मतलब बाहर नहीं चली गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जब भी आपको जरूरत है कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ा है कभी भी उसको आप याद कर सकते हैं, बस आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए और बार बार जितना आप इसको करते हैं ना आपकी हैबिट बन जाती है किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए तुरंत फ्लैश की तरह आप रिकॉल कर लेते हैं। तो मेमोरीज इतनी होती है आदमी के पास 70 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, और एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी होती है याद करने की करोड़ों इंफॉर्मेशन मिलियंस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, याद कर सकता है 70 बिलियन न्यूरॉन्स। मेमोरी अनलिमिटेड है, ठीक है, डिपेंड करता है आप